नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, अविवाहित यानी कि कुंवारी लड़कियों को शिवलिंग की पूजा भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इसके आपको भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। महादेव आपसे नाराज हो जाएंगे और आपको इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। महादेव की तीसरी आंख भी खुल सकती है और आप कंगाल गरीब और आपको ऐसे दिन देखने पड़ सकते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, कुंवारी लड़कियों को शिवलिंग की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए और इसका शास्त्रों में क्या उल्लेख है, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, इसके बारे में जानने के लिए आप यह आज का वीडियो आखिर तक जरूर देखते रहें। दोस्तों, क्या आप अपने शरीर के गुप्त रोगों से परेशान हैं? ये रति योग आयुर्वेदिक औषधि आपके शरीर के सभी गुप्त रोगों को दूर करके आपकी मर्दाना ताकत को बढ़ाने का काम करेगी। खरीदने के लिए दिए गए कंपनी के नंबर पर आप अभी कॉल करें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप हमारे चैनल टोटल ज्ञान पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसा ही ज्ञान सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, आप भगवान शिव को सच्चे दिल से मानते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में प्रचलित धारणाओं के अनुसार शिवलिंग की पूजा सिर्फ पुरुष द्वारा संपन्न होनी चाहिए, न कि नारी के द्वारा। साथ ही विशेष रूप से अविवाहित स्त्री को शिवलिंग की पूजा के नजदीक जाना वर्जित है, शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, किंवदंतियों के अनुसार अविवाहित स्त्री को शिवलिंग के करीब जाने की आज्ञा नहीं है। साथ ही इसके चारों ओर भी अविवाहित स्त्री को नहीं घूमना चाहिए। यह इसलिए क्योंकि भगवान शिव बेहद गंभीर तपस्या में व्यस्त रहते हैं। जब भगवान शिव की पूजा की जाती है तो विधि विधान का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। देवता वह अप्सराएं भी भगवान शिव की पूजा करते समय बेहद सावधानी से उसकी पूजा करती हैं। यह इसलिए कि कहीं देवों के देव महादेव की तंद्रा भंग न हो जाए। जबकि तंद्रा भंग होती है तो वे क्रोधित हो जाते हैं। इसी कारण से महिलाओं को शिव की पूजा ना करने के लिए कहा गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि कुंवारी महिलाएं भूलकर भी शिवलिंग की पूजा ना करें। आचार्य चाणक्य जी ने भी अपनी चाणक्य नीति में इस चीज का जिक्र किया है कि देवों के देव महादेव की पूजा कुंवारी कन्याओं को नहीं करनी चाहिए। इसका जिक्र कर्षण वाणी में भी है। भगवान कर्षण ने भी इसका कर्षण वाणी के अंदर जिक्र किया है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि ऐसा करने वाली कन्या को अच्छा वर नहीं मिलता। जो कन्या भगवान शिव की शिवलिंग की पूजा करती है, ऐसी कन्या को मनचाहा वर नहीं मिलता और उसकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होती। दोस्तों, क्या इसका मतलब यह है कि अविवाहित स्त्री शिव की पूजा कर ही नहीं सकती? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। बल्कि अविवाहित स्त्री भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा एक साथ कर सकती है। दोस्तों, शास्त्रों में इस चीज का कुंवारी कन्याओं को छूट है। अकेला शिव की पूजा यानी कि शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकती, भगवान शिव और पार्वती की दोनों की एक साथ पूजा कुंवारी कन्या कर सकती है। कई महिलाएं लगातार 16 सोमवारों को भगवान शिव का सोमवार व्रत रखती है। इस व्रत को रखने से कुंवारी लड़कियों को अच्छा वर प्राप्त होता है। वहीं विवाहित महिलाओं के पति नेक मार्ग पर चलते हैं। सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है, जैसा कि तीनों लोकों के भगवान शिव को एक आदर्श पति माना जाता है।
इसलिए अविवाहित स्त्री सोमवार का व्रत रखती है और भगवान शिव के प्रार्थना करती है कि उसे शिव के समान ही आदर्श पति मिले। वैसे भगवान शिव का यह व्रत किसी भी सोमवार को रखा जा सकता है, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों में श्रावण महीने में जो कोई भी इस व्रत को रखता है तो उसे भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। श्रावण का महीना उसी तरह है जिस तरह की इस्लाम में रमजान का महीना होता है। इस माह पूरे समय व्रत रखने का विधान है। शिव का पूजा से संबंध में भारत के अलग अलग राज्यों में मान्यताएं भिन्न भिन्न है। दक्षिण भारत में मंदिर के भीतर पूजा सिर्फ मंदिर का पुजारी कर सकता है, दूसरे लोगों को यह पूजा करने की इजाजत नहीं है। वह उत्तर और विंध्यम में पूजा खुद श्रद्धालु करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि कुंवारी कन्या को तो अकेला शिव भगवान के शिवलिंग की पूजा भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर औरत ऐसी गलती करती है तो उसे मन चाहिए कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी, उसको अच्छा वर भी नहीं मिलेगा और उसे भगवान शिव की क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अगर कुंवारी कन्या पूजा करना चाहती है तो शिव भगवान और पार्वती जी दोनों की एक साथ पूजा कर सकती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में वास्तु शास्त्र, हिंदू धर्म शास्त्रों, चाणक्य नीति और कृष्णवाणी के मुताबिक हमने आपको बताया कि कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में हमें लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि आपके अपने दोस्त भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखकर अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ा सके। हमारे आज के ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।